हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड में कोई भी करेक्शन कराना है, जैसे कि नेम, एज यानी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, नेम ऑफ रिलेटिव, टाइप ऑफ रिलेशन, एड्रेस करेक्शन, वोटर आईडी इन न्यू फॉर्मेट, तो स्टिक विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन डू ऑल दिस ऑनलाइन। आई एम संजीव एंड यू आर वॉचिंग डिजिटल संजीव। हाँ दोस्तों, ये सब आप कर सकोगे, वो भी घर बैठे। इसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, तो कैसे ये काम करते हैं चलिए देख लेते हैं मेरा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में है जो बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गाइस, आई एम राइट ऑन माय पीसी स्क्रीन। आई हैव टू ओपन द क्रोम ब्राउजर एंड टाइप इन www.nvsp.in। इसको लिखकर इंटर प्रेस करते ही ये पेज ओपन हो गया है। और यहाँ देखिए, वोटर पोर्टल का जो टैब है उस पर जाके हमको क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए, ऊपर में लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इफ यू हैव एन अकाउंट यू कैन लॉग इन बाई एंटरिंग योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और वोटर आईडी एंड पासवर्ड, एंड इफ यू डोंट हैव एनी क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट। नाउ You have to enter your 10-digit mobile number or email ID. I am entering my mobile number and click on send OTP. अब आपका मोबाइल फोन पे जो वेरिफिकेशन कोड जाएगा वो जाके यहां एंटर करना होगा एंड क्लिक ऑन वेरीफाई। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आप देख पाओगे कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुके हैं। नाउ आई हैव टू एंटर न्यू पासवर्ड ओवर हियर। एंड कन्फर्म द सेम इन द नेक्स्ट लाइन। Then you have to solve the maths and enter the solution over here. उसके बाद अभी जाके चेक बॉक्स पे टिक करना होगा एंड क्लिक ऑन क्रिएट। ये देखिए, वोटर का जो पोर्टल है वो आपको वेलकम कर रहा है। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन वेलकम। अ न्यू पेज इज ओपन एंड नाउ यू हैव टू एंटर योर डिटेल्स टू सेट योर प्रोफाइल, जैसे कि नेम, सरनेम, ईमेल आईडी, स्टेट एंड जेंडर। ये सब फिल करने के बाद आई हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। ये देखिए, आपको जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया है। अब पोर्टल का ये पेज खुल गया है। यहाँ देखिए, ये सब आप इस पोर्टल के थ्रू कर सकोगे, जैसे कि न्यू वोटर आईडी, वोटर रजिस्ट्रेशन, करेक्शन इन वोटर आईडी, शिफ्टेड टू अदर प्लेस, रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी एंड डिलीशन ऑफ वोटर आईडी। लेकिन अब हमको इनमें से करेक्शन इन वोटर आईडी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, क्योंकि अभी वोटर आईडी का कुछ करेक्शन हमें कराना है। करेक्शन इन वोटर आईडी पे क्लिक करते ही ये नया पेज ओपन हो गया है एंड आई हैव टू क्लिक ऑन लेट्स स्टार्ट। इस पेज में आई हैव टू क्लिक ऑन द राइट साइड बिकॉज आई हैव ए वोटर आईडी नंबर। नाउ आई हैव टू एंटर द वोटर आईडी नंबर and click on page details over here.
ये 91 करोड़ रिकॉर्ड से आपका जो रिकॉर्ड है वो निकालेगा। अब जाके हमको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही ये देखिए आपका जो डिटेल्स है वो सारे आपके सामने हैं, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, जेंडर, एज, स्टेट्स, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, एपिक नंबर, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, पार्ट नंबर, पार्ट नेम, सीरियल नंबर, पोलिंग स्टेशन। आप ये सब चेक कर लीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा आपको। नाउ यू हैव टू अपडेट योर मोबाइल नंबर बाय एंटरिंग योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंड क्लिक ऑन सेंड ओटीपी। 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड आपका मोबाइल पर जाएगा, वो आपको यहीं पे एंटर करना होगा एंड क्लिक ऑन वेरीफाई। ये देखिए योर मोबाइल नंबर हैज बीन वेरीफाइड। नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द मेन पेज जहां पे करेक्शंस का सब ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। एक साथ यू कैन सिलेक्ट मैक्सिमम 3 ऑप्शंस, उनमें से आई हैव टू क्लिक द नेम ऑफ रिलेटिव एंड एज और डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शंस है उनमें, बिकॉज आई वांट चेंज माय रिलेटिव्स फादर नेम स्पेलिंग एंड डेट ऑफ बर्थ। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। नया पेज ओपन हो गया है और अब हमको एंटर करना होगा द डिटेल्स विच नीड टू बी करेक्टेड और चेंज्ड। या हमको जो स्पेलिंग ठीक है वो बैठाना पड़ेगा। बैठाते ही आप देख पाओगे उस नाम को रीजनल लैंग्वेज पे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके डेट ऑफ बर्थ की ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट करने का ऑप्शन चूज किए थे। नाउ आई हैव टू एंटर द एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ एंड सिलेक्ट योर एज और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ फ्रॉम द लिस्ट। मैंने पैन कार्ड को सिलेक्ट किया है। नाउ आई हैव टू अपलोड माई डॉक्यूमेंट एंड फॉर दैट एंटर माई पैन नंबर एंड क्लिक ऑन सिलेक्ट फाइल टू अपलोड। क्लिक करते ही मेरा पीसी का ओपन डायलॉग बॉक्स खुल गया है जहां पे मैंने पहले से ही मेरा डॉक्यूमेंट का इमेज सेव करके रखा था। उसको सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करते ही ये देखिए वो फाइल अपलोड होना शुरू हो गया है और ये देखिए मेरा वो फाइल लोड हो गया है। यू कैन सी द अटैचमेंट बाय क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू ऑप्शन ऑल्सो। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। नया पेज ओपन हो गया है जहाँ एक डिक्लेरेशन देना होगा। डेट ऑलरेडी सेट होके आया है, खाली आपको एप्लीकेंट का नाम और जिस सिटी में आप रहते हैं उसका नाम यहाँ एंटर करना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ये देखिए मैंने जो फॉर्म 8 फिलअप किए थे वो फिलअप होके दिखाई दे रहा है। पूरा फॉर्म चेक करने के बाद आई हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट करते ही ये देखिए द एप्लीकेशन फॉर करेक्शन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली इन इलेक्टोरल रोल, ये दिखाई दे रहा है। और नीचे देखिए एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी जिसको आप एंटर करके आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो जान पाओगे। उसके लिए ये आईडी कॉपी करके होम पेज पर ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करना होगा। एंड सिलेक्ट एप्लीकेशन टैब टू एंटर द एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी एंड क्लिक ऑन ट्रैक फॉर स्टेटस। ये देखिए आपका एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। देर आर 4 स्टेप्स। द फर्स्ट वन हैज ऑलरेडी बीन डन। उसके बाद बीएलओ को अपॉइंट किया जाएगा, देन फील्ड वेरीफाई होगा एंड फाइनली एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा एंड देन आपके पते यानी एड्रेस पर
आपका वोटर आईडी कार्ड जो है वो भेज दिए जाएंगे। तो ये था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर करेक्शन का पूरा प्रोसेस। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ द वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, प्लीज ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, एंड इफ यू आर न्यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।